हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या #CV। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। पहला ए वाला, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, तो ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, नो, फॉल्स। फिर ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस, ट्रू। फिर सेकेंड इज ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, यस, ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, फॉल्स। ठीक है, ऑल काइट आर रोम्बस, नो, फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट, यस, ट्रू। नेक्स्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, ट्रू। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर और ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, यस, ट्रू। तो अब सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, तो ए है फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो आपको पता है ऐसा तो स्क्वायर में होता है जिसकी चारों साइड चारों एंगल सब इक्वल होते हैं, स्क्वायर हुआ। और आपको पता है रोम्बस, रोम्बस के भी ना चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम, ठीक है। अब बोला है फोर राइट एंगल, तो फोर राइट एंगल तो आपका स्क्वायर में भी बनता है। बोला था ना सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ये चार साइड का स्क्वायर होता है तो सारे फोर एंगल। और आपको पता है रेक्टेंगल में भी, रेक्टेंगल देखिए ये स्क्वायर है, ये भी एक दो तीन चार फोर राइट एंगल बने। अब ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में भी फोर राइट एंगल बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, तो फर्स्ट वाला है अ क्वाड्रिलेटरल। अब बताइए कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है, एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो हम जानते हैं स्क्वायर के फोर साइड होते हैं, अ स्क्वायर इज फोर साइडेड, फोर साइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में भी फोर साइड्स होते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। अब ये वाला देखिए, सेकंड वाला, अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब स्क्वायर का पैरेललोग्राम है तो देखते हैं, अ स्क्वायर, अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट। आपको पता है कि स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम में भी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, एंगल्स भी पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड्स वाले, तो इसलिए ये भी पैरेललोग्राम है। सो स्क्वायर, सो इट इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब थर्ड वाला क्या था, अ रोम्बस। अब स्क्वायर क्या रोम्बस है, तो है, लेकिन कैसे है। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम विथ ऑल द फोर साइड, ठीक है, विथ ऑल फोर साइड्स, ठीक है, इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सो इट इज अ रोम्बस, इसलिए रोम्बस, सो इट इज अ रोम्बस, ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ वाला देखिए, अ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर से रेक्टेंगल है तो देखिए, स्क्वायर, स्क्वायर में आपके देखें
फोर राइट एंगल्स बनते हैं और रेक्टेंगल में बनते हैं, इसलिए भी है। तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्पेलिंग गलत हो गया, फिर कर लीजिएगा, विथ ईच एंगल स्क्वायर, क्योंकि ईच एंगल होते हैं वो सारे राइट एंगल होते हैं ना, राइट एंगल, राइट 90 डिग्री के राइट एंगल, ठीक है, इसलिए ये रेक्टेंगल है। सो इट इज अ रेक्टेंगल हो गया। तो ये हो गया अब क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।